दोस्तों, टाइबेटन मैस्टिफ एक विशाल खुखारी घातक डॉग ब्रीड है जो आसानी से जंगली भेड़िए का शिकार कर सकता है। वहीं डोगो अर्जेंटिनो भी एक घातक डॉग ब्रीड है जो हॉस्टाइल नेचर के होते हैं और जो जंगली सुअर और पहाड़ी शेर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या होगा जब टाइबेटन मैस्टिफ और डोगो अर्जेंटिनो आमने सामने आएंगे? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोगो अर्जेंटिनो एक घातक डॉग ब्रीड है जो अपने हॉस्टाइल नेचर की वजह से जाने जाते हैं। इसका ओरिजिन अर्जेंटीना से है। डोगो अर्जेंटिनो को जंगली सुअर और पहाड़ी शेर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोगो अर्जेंटिनो की हाइट 60 से 67 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन 40 से 45 किलोग्राम तक का होता है। उनकी बाइट फोर्स 500 PSI होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टाइबेटन मैस्टिफ एक ताकतवर और नेडर डॉग ब्रीड है। इनका ओरिजिन इंडिया और नेपाल से। ये आसानी से जंगली भेड़िए का शिकार कर सकते हैं। इनकी हाइट 66 से 76 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन 41 से 67 किलोग्राम तक का होता है। उनकी बाइट फोर्स 540 PSI होती है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी टाइबेटन मैस्टिफ और डोगो अर्जेंटिनो के बीच में मुकाबला हुआ है तो जीत हमेशा टाइबेटन मैस्टिफ की हुई है। वजह है इनकी बाइट फोर्स और हॉस्टाइल नेचर। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा।